कहता है कि सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने देखने वालों के पास टैलेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास टैलेंट होगा वो कभी मायूस ही नहीं रह सकता। ऐसा ही कुछ अनोखा सिंगिंग टैलेंट सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वायरल हो रहा है। रानू मंडल नाम की महिला लता मंगेशकर का एक फेमस गाना एक प्यार का नगमा है गाना गाते हुए नजर आ रही थी, जिसके बाद रानू का बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर वीडियो एक यात्री ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद उनकी किस्मत चमक गई। उनकी सिंगिंग की तारीफ होने के बाद उन्हें अपना पहला सिंगिंग प्रोजेक्ट मिल ही गया। हाल ही में रानू जब सिंगिंग रियलिटी शो में पहुंची, तब हिमेश जी ने उनका गाना सुनकर उनके फैन हो गए, जिसके बाद उन्होंने गाना गाने का ऑफर दिया और अब उन्होंने रानू से अपनी अपकमिंग फिल्म हैप्पी हॉडी एंड हीर के लिए एक गाना रिकॉर्ड करवा लिया है। हिमेश ने रिकॉर्डिंग का एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में रानू तेरी मेरी कहानी गाने को रिकॉर्ड करती नजर आ रही है और हिमेश उन्हें चीयर करते दिख रहे हैं। हिमेश ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी हॉडी एंड हीर के लिए तेरी मेरी कहानी गाना बहुत ही टैलेंटेड रानू मंडल के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उनकी आवाज गजब है। आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं, मगर आप में उन्हें पूरा करने का जुनून हो। आपके प्यार और सपोर्ट का शुक्रिया। वैसे किसी ने कहा है, बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। आपके भी अगर सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करना है तो जाग जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।